till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. हे गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल ग्लोरी और सेल्फ में। तो आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप घर पे ही अपने बालों की 3 स्टेप कटिंग कैसे कर सकते हैं। मैं अपने बालों की 3 स्टेप कटिंग करने जा रही थी, तो सोचा ये वीडियो आपके साथ भी शेयर कर दूं। क्योंकि यार आप जान ही रहे हो कि लॉकडाउन चल रहा है, तो आप ब्यूटी पार्लर जा नहीं सकते। जब ब्यूटी पार्लर नहीं जा सकते, तो अपने हेयर की कटिंग करा नहीं सकते। ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। तो आपको थोड़े से ट्रिक की जरूरत है, जिसकी हेल्प से आप अपने बालों की कटिंग घर पे ही कर सकते हैं। अगर ये ट्रिक आप जान गए, तो आप अपनी क्या अपने घर पे जितने भी लोग हैं, जितनी भी फीमेल है, अगर उनकी भी हेयर कटिंग करना चाहें, वो भी 3 स्टेप, तो आप घर पे कर सकते हैं। और वो ट्रिक इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आइए जानते हैं वो ट्रिक क्या है। लेकिन 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 वीडियो को स्टार्ट होने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने सबसे पहले अपने बालों को अच्छे से सुलझा लिया है, ताकि एक भी बाल आपस में फंसे ना। फिर सुलझाने के बाद मैंने सारे पीछे के बालों को आगे कर लिया है। बालों को आगे करने के बाद मैंने एक रबर बैंड की हेल्प से बालों को अच्छे से सिक्योर कर लिया है। आपको अपने बालों को अच्छे से सिक्योर करना है, बिल्कुल टाइटली, ताकि आपके बाल इधर से उधर ना हो। अब आप देख सकते हैं कि मैंने बालों को बिल्कुल सेंटर में अच्छे से सिक्योर किया है। इसके बाद मैं यहाँ पे दूसरा रबर बैंड लूँगी और उससे भी बालों को अच्छे से सिक्योर कर दूँगी, ताकि जब मैं हेयर कटिंग करूँ, यानी 3 स्टेप कटिंग करूँ, तो बाल बिल्कुल इधर से उधर ना हो और वो बिल्कुल अच्छे से कट हो। अब मुझे अपने बालों की जितनी कटिंग करनी है, मैं अपने फिंगर की हेल्प से उसको अच्छे से मेजर कर लूँगी, और मेजर करने के बाद इस तरह से रबर बैंड को नीचे की तरफ खिसका दूंगी, ताकि अच्छे से हेयर कटिंग हो। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ छोटे बाल हैं जो आगे आ रहे हैं, तो उसे भी मैंने यहाँ पे एक रबर बैंड की हेल्प से सिक्योर कर लिया है। अगर आपके भी छोटे बाल हो, तो आप भी क्या कर सकते हैं, उसको एक रबर बैंड की हेल्प से अच्छे से सिक्योर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक सीजर की हेल्प से अपने हेयर को कट कर लिया है। आपको बिल्कुल स्ट्रेट अपने हेयर को कट करना है, ताकि वो देखने में बिल्कुल अच्छा लगे। अब आप देख सकते हैं कि बाल बिल्कुल बराबर से कट चुके हैं, और बराबर से कटने के बाद मैं यहाँ पे इसको ट्रिम करूँगी। ट्रिम करने के लिए आपको सीजर को इस तरह से स्ट्रेट लेना है और इस तरह से छोटे छोटे कट लगाने हैं, जिस तरह से आपको वीडियो में दिख रहे हैं। अगर आप अपने बालों की ट्रिमिंग करते हैं, तो आपके बाल बिल्कुल नेचुरल इफेक्ट देंगे। आप जब अपने बालों की ट्रिमिंग कर रहे हो, तो आप छोटे छोटे स्ट्रोक लीजिए, और छोटे छोटे स्ट्रोक लेते हुए अपने बालों की ट्रिमिंग करिए। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रोक लेते हैं, तो फिर आपके बालों की ट्रिमिंग अच्छी नहीं रहेगी, आपके बाल ज़्यादा भी कट सकते हैं। हेयर की ट्रिमिंग करने के बाद मैं रबर बैंड को अपने बालों से निकाल लूँगी। रबर बैंड को निकालने के बाद मैं अपने सारे बालों को पीछे कर दूंगी, और पीछे करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो इसकी लास्ट की कटिंग है, ये देखिए बिल्कुल नेचुरल लग रही है। आपको बिल्कुल ये देखने में ऐसा नहीं लगेगा कि अभी अभी मैंने बालों की कटिंग की है। फिर इसके बाद मैं क्या करूँगी, अपने बालों को अच्छे से यहाँ पे कॉम कर रही हूँ, और कॉम करने के बाद आप ये देख सकते हैं, मैं कान के बिल्कुल पीछे से, मैं दोनों साइड दोनों कान के पीछे से इस तरह से फिंगर को रखूँगी, और फिंगर को रखते हुए उसको ऊपर की तरफ सेंटर में लाऊंगी, और जितने भी बाल आएंगे, उन बालों को पकड़ के फिर से क्या करूंगी, उन सबको आगे की तरफ कर लूंगी, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। कान के जितने भी पीछे के बाल थे, उन सबको आगे करते हुए मैं फिर से उसको क्या करूंगी, कॉम करने के बाद रबर बैंड की हेल्प से अच्छे से उसको सिक्योर कर दूंगी। अब मैं फिर से दूसरा रबर बैंड ले रही हूँ, और दूसरे रबर बैंड से बालों को अच्छे से सिक्योर कर दूंगी। और ये रबर बैंड आपको बिल्कुल नीचे की साइड लगाना है, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं, ताकि आपको जितनी हेयर कटिंग करनी है, बिल्कुल वो क्या हो, परफेक्ट कट हो। इसके बाद मैंने जो सबसे लास्ट में रबर बैंड लगाया है, उसको मैं नीचे की तरफ खिसकाऊंगी, और खिसकाने के बाद जितना भी मुझे कटिंग करना है, मैं फिंगर की हेल्प से उसको यहाँ पे मेजर कर लूंगी।
आप देख सकते हैं कि मैंने हेयर कटिंग के मेजरमेंट के लिए अपने फिंगर का ही यूज किया है, तो आप भी चाहें तो मेजरमेंट के लिए अपने फिंगर का यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद जितना मैंने मेजर किया है उसको मैं सीजर की हेल्प से अच्छे से कट कर लूंगी। कट करने के बाद मैं अगेन अपने हेयर की ट्रिमिंग करूंगी। आप अपने हेयर की कटिंग जितनी भी बार कर रहे हैं आप उतनी बार ट्रिमिंग करना ना भूलिएगा। अगर आप ट्रिमिंग नहीं करेंगे तो आपके बाल देखने में बिल्कुल फिजी लगेंगे, अच्छे बिल्कुल नहीं लगेंगे। बालों की ट्रिमिंग करना बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आप वीडियो में देख ही रहे हैं। बस आपको क्या करना है, सीजर को स्ट्रेट लेना है और छोटे छोटे स्ट्रोक लेते हुए बालों की ट्रिमिंग कर लेनी है। अब मैं अपने हेयर की थर्ड स्टेप कटिंग करने जा रही हूँ और मैंने फिंगर को इस तरह से कान के आगे से लिया है और लेने के बाद जितने भी इसमें बाल आएंगे उन सभी बालों को फिर से मैं क्या कर लूँगी, पकड़ के आगे की तरफ कर लूँगी और आगे करने के बाद उसको अच्छे से कॉम से सुलझा लूँगी। और आप ये देख रहे हैं कि बाल बहुत ज़्यादा पीछे के हो गए थे तो डिस्टर्ब कर रहे थे, तो मैं रबर बैंड से सिक्योर कर ली हूँ। तो अगर आप भी ऐसा लग रहा हो कि आपके पीछे के बाल आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, रबर बैंड से सिक्योर कर सकते हैं। और इसके बाद मैं फिर से क्या करूँगी, दोबारा रबर बैंड लूँगी और उसे सिक्योर कर लूँगी। सिक्योर करने के बाद फिर से जिसको जितना मुझे कट करना है उतना मेजर करने के बाद सीजर की हेल्प से अच्छे से उसकी कटिंग कर दूंगी। और अब तक तो आप जान ही गए होंगे कि कटिंग करने के बाद क्या करना है। जी हाँ, ट्रिमिंग करना है, तो फिर कटिंग करने के बाद मैं उसको अच्छे से क्या कर लूँगी, ट्रिम कर लूँगी। फिलहाल अभी तो मैं कटिंग ही कर रही हूँ, लेकिन कटिंग करने के बाद अभी आप देखेंगे मैं फिर से बालों को क्या करूँगी, स्ट्रेट करके यहाँ पे ट्रिमिंग कर रही हूँ। अब मैंने बालों की थ्री स्टेप कटिंग कर ली। अगर आप कॉम करके बालों की लेयरिंग देखेंगे तो वो आपको नहीं दिखेगा। आप सिर्फ हाथों से क्या करिए, सिंपली इस तरह से सफलिंग कर लीजिए और आप ये देखेंगे आपको ये लेयर दिखेगी। आप ये देख सकते हैं, एक देखिए आपको यहाँ पे लेयर दिख रही होगी, दूसरी यहाँ पे। यानी अगर मैंने थ्री स्टेप कटिंग की है तो आपको थ्री लेयर क्लियर दिखाई देगा। आप पीछे से भी देख सकते हैं, ये देखिए। आपको बालों के लेयर दिखाई दे रहे होंगे। अगर आपको मेरा ये थ्री स्टेप हेयर कटिंग वीडियो समझ में आया हो और यूजफुल लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।